स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे चार बेहतरीन खबरें निकल के सामने आ रही है। आपने अगर अपना पेपर को दे दिया है या फिर दोस्तों आप लोग जो है कल पेपर देने जा रहे हैं, क्योंकि कल जो है क्लास 10 के बच्चों का बेहद इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट का पेपर है, तो आज का वीडियो आप लोग के लिए होने वाला है। क्योंकि दोस्तों फाइनली यहां पर आप लोग के लिए एक अच्छी खबर आ गई है, स्पेशली दोस्तों जिन बच्चों का पेपर यहां पे हो गया है, कंप्लीट हो गया है, अब वो जो है कॉपी चेकिंग का वेट कर रहे हैं, मॉडरेशन का वेट कर रहे हैं, तो आप लोग के लिए दोस्तों यहां पे काफी कुछ होने वाला है। जैसे कि दोस्तों कल ही जो है आपने ये दिखा दिया कि आप लोग का पेपर यहां पर हार्ड आया है और मॉडरेशन लगना चाहिए। ये दोस्तों 1000+ कमेंट्स, और दोस्तों अगेन जब मैंने कल आपको कहा सपोर्ट करने को लेकर, और आप लोग के दोस्तों मैंने जब आपसे पूछा कि आप लोग का पेपर हार्ड आया है तो आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा, तो कल भी दोस्तों यहां पे 650+ कमेंट्स यहां पे आ गए, और ये सारा चीज दिखा रहा है कि पेपर यहां पर हार्ड आया है। और इसको लेकर दोस्तों बोर्ड से मेरा भी रिक्वेस्ट है कि यहां पर मॉडरेशन को लगाया जाए, और इस चीज को लेकर दोस्तों आप लोग के हेल्प के लिए दोस्तों मैंने जो है कल सारे फीडबैक को तो सबमिट किया ही, इसके साथ साथ दोस्तों बाकायदा मैंने बोर्ड को एक ट्वीट भी किया है, और इस ट्वीट में दोस्तों मैंने बोर्ड से एक ही वर्ड कहा है जो आप सभी बच्चे चाहते हैं, जिन भी बच्चों का पेपर यहां पे खराब गया है आप लोग पास होना चाहते हैं, तो बोर्ड से मेरा रिक्वेस्ट ये है सभी बच्चों को पास किया जाए, क्योंकि ये स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको यहां पर पूरी तरीके से इनके साथ जो है टोटली अनफेयर हुआ है। एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर से एक तो इनको कंपार्टमेंट दे दिया गया, ऊपर से जब कंपार्टमेंट आया तो आप लोग दोस्तों इस बात से एग्री है तो एक बार कमेंट करके बताइएगा, आप लोग का जो एनुअल का पेपर हुआ था, एनुअल का पेपर से कंपार्टमेंट का पेपर आपका हार्ड है कि नहीं है? अगर हार्ड है तो नीचे कमेंट करके बताइएगा, मुझे पक्का यकीन है यहां पे दोस्तों ये सारे दोस्तों जो आप लोग के दोस्तों यहां पे पूरी तरीके से पोल है, ये पोल दोस्तों पूरी तरीके से बता रहा है यहां पे 70%+ स्टूडेंट्स का कहना है कि यहां पर पेपर हार्ड है। और ये हार्ड दोस्तों इसलिए है क्योंकि बोर्ड ने बाकी ही दोस्तों यहां पे पेपर को एनुअल के एग्जाम के कंपेयर में कंपार्टमेंट के पेपर को हार्ड बनाया है, तो ऐसे में यहां पर दोस्तों सीबीएसई बोर्ड का यहां पे पूरी तरीके से राइट बनता है कि इस बार जो है मॉडरेशन में बच्चों को नंबर यहां पर एक दो नहीं बल्कि यहां पे +6, +7, +8 तक दे। केवल मार्क्स की बात नहीं है, यहां पर बच्चों को पास किया जाए। और इसी को लेकर दोस्तों मैं आप लोग को जो है वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था आप लोग के लिए दोस्तों यहां पे चार बड़े इंटरेस्टिंग अपडेट होने वाले हैं, तो यहां पे दोस्तों कुछ चीजें होती भी दिख रही है। अब ये सारी चीजें होती भी इसलिए दिख रही है क्योंकि आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप लोग के सपोर्ट में, आप लोग के कमेंट्स में दोस्तों बिल्कुल भी कमी नहीं होना चाहिए। आप लोग अपना मैक्सिमम सपोर्ट दिखाइए कमेंट में, और ये हर एक बच्चे दोस्तों यहां पर जो है जो बच्चे मॉडरेशन की यहां पर मांग कर रहे हैं नीचे कमेंट्स में दोस्तों आप लोग मॉडरेशन को लेकर कमेंट करिए, क्योंकि आप लोग का सपोर्ट होगा तभी दोस्तों यहां पे कुछ चीजें हो पाएगी। यहां पे दोस्तों मैं जितने अभी हो सकता है अपने तब से 100% आप लोग के लिए दे रहा हूं। यहां पे दोस्तों मैंने ट्वीट भी किया है, बोर्ड से दोस्तों जितनी भी कोशिश है सारी चीजें करूंगा, लेकिन ये सारी चीजें बेकार है अगर आप लोग 1, 2, 3, 4 स्टूडेंट सपोर्ट करेंगे, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड को दोस्तों यहां पर जो है मेरी बातों से कहीं ज्यादा जो है उन्हें आपकी बातों से फर्क पड़ता है, क्योंकि पेपर मैंने नहीं दिया, पेपर आपने दिया है, तो बोर्ड पहले मेरी बातों को सुनेगी लेकिन उससे पहले आपकी बातों को सुना जाएगा, क्योंकि पेपर आपने दिया है। तो बोर्ड को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि केवल 5-6 बच्चे कह रहे हैं कि पेपर हार्ड आया है। पेपर अगर हार्ड आया है तो अपना सपोर्ट दिखाइए, मैसिव सपोर्ट दिखाइए, क्योंकि आप लोग का सपोर्ट ही दोस्तों आपको जस्टिस दिलवाने वाला है, तो आप लोग के सपोर्ट में कोई भी कमी नहीं होना चाहिए। फिलहाल मैं आप लोग को यहां पर अपडेट दे दूं, जैसे कि कॉपी चेकिंग को लेकर आप लोग का जो पेपर हो गया है वो सारा का सारा जो पेपर है कल रीजनल ऑफिस से मैंने आपको बताया था वो जो है यहां पे एग्जामिनर्स के पास भेज दिए गए हैं जो आपकी कॉपी चेकिंग करेंगे। मैंने दोस्तों मॉर्निंग में ही जो है इसके रिगार्डिंग जब बात किया तो उन्होंने कहा आज जो है उन्होंने कॉपी चेकिंग नहीं की है क्योंकि बोर्ड का जो है पहले उन्हें इंस्ट्रक्शन मिलना है कि किस तरीके से कॉपी चेकिंग करनी है, इस बार कितना ज्यादा जो है कॉपी में लीनियन को जो है बरतना है। और केवल इतना ही नहीं, स्टार्टिंग में दोस्तों यहां पर जो अच्छी खबर निकल के सामने आ रही है उन्होंने दोस्तों क्लियर 2-3 चीजें जो है यहां पर क्लियर कर दी। सबसे पहला कि कॉपी चेकिंग जो है वो कल से शुरुआत करेंगे, क्योंकि आज जो है सभी जगह पर, सभी सेंटरों पे जो है कॉपी आज पहुंच रही है, क्योंकि काफी सारे सेंटरों पे पहुंच चुका है और काफी सारे सेंटरों पे जो है जो दूर सेंटर है वहां पे जो है कॉपियां पहुंच रही है, तो यानी आज तक जो है हर एक जगह जो है कॉपियां पहुंच जाएगी। कल से जो है मॉर्निंग से ही दोस्तों कॉपियां चेकिंग शुरू हो जाएगी, तो
स्टार्टिंग में दोस्तों जो यहां पे एग्जामिनर्स कह रहे हैं, जो एक अच्छी खबर है आप लोग के लिए कि हमें इस बार इंस्ट्रक्शन है कि वो बोर्ड की तरह कॉपी चेकिंग नहीं करेंगे, कंपार्टमेंट की तरह चेक करेंगे। और उनको जो है कंपार्टमेंट की जब कॉपी चेकिंग करेंगे तो बोर्ड की तरह स्टिकनेस जो है यहां पे ना रखी जाए। यहां पे दोस्तों एग्जामिनर को इस बार दोस्तों छूट मिल रही है, यानी कि दोस्तों सीधे तौर पे एग्जामिनर कह रहे हैं कि हमें दोस्तों यहां पे छूट मिली है कि हम जो है एवरी क्वेश्चन में, यानी कि जिस बच्चे ने क्वेश्चन को अटेंड किया है, एवरी क्वेश्चन में आधे से लेकर एक नंबर जो है उसको एटलीस्ट अपने तरफ से दे सके, ताकि जो है बच्चे ने स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चन को सही किया होगा और वहां से अगर उसके जो है अराउंड जो है 15 से 16 नंबर भी आ जाते हैं, फिर बाकी हम हर एक क्वेश्चन में जो है आधे आधे नंबर एक एक नंबर दे देंगे, तो वो जो है बच्चा एक अच्छा स्कोर भले ही ना कर पाए लेकिन पास हो जाए। हमारी कोशिश ये रहेगी कि एवरी बच्चों को पास किया जाए। तो ये सारी चीजें दोस्तों यहां पे जो है की जा रही है, तो ये एक अच्छी चीज है और ये सारी चीजें दोस्तों और भी ज्यादा पॉसिबल हो पाएगा, यानी कि काफी सारे बच्चे दोस्तों यहां पे जिनका पेपर खराब गया है वो बच्चे दोस्तों फेल ना हो, इसलिए जरूरी है मॉडरेशन आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि टीचर्स दोस्तों जहां पे नंबर देंगे वो तो देंगे ही लेकिन वो उतना ज्यादा भी नंबर नहीं दे पाएंगे, ये चीजें आप लोग भी समझ सकते हैं। तो ऐसे में मॉडरेशन ही आपको काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है, तो मॉडरेशन के लिए दोस्तों आप लोग जो है सपोर्ट दिखाइए, मैसिव सपोर्ट दिखाइए, नोटिफिकेशन बेल को याद से जरूर प्रेस करके रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि आप लोग का सपोर्ट ही दोस्तों आपको जस्टिस दिलवाने वाला है। तो आप लोग अपनी तरफ से कोई भी कमी ना रखिए और आपको दोस्तों यहां पे पूरा रिजल्ट तक जो है मैं आपको हेल्प कराने वाला हूं, तो इसको लेकर दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को जरूर से प्रेस करके रखिएगा। और साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स जो है यहां पर कल पेपर देने जा रहे हैं, आप लोग अच्छी तरीके से जो है यहां पे आज जो है जितना भी टाइम आपके पास बच रहा है अच्छी तरीके से रिवीजन को करके जाइएगा, ताकि वहां पे आप लोग का अच्छा पेपर जाए और स्टार्टिंग के जो आपके एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस हैं वहां पर जो है उन सारे क्वेश्चंस को करेक्ट करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि पासिंग मार्क्स जो है दिलवाने के लिए एमसीक्यू के क्वेश्चंस आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो एमसीक्यू के क्वेश्चंस आप तभी कर पाइएगा जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो वो सारे क्वेश्चंस को जो है स्टार्टिंग में आप लोग जो है करेक्ट करने की कोशिश करिएगा, फिर बाकी जो है आगे के क्वेश्चंस होंगे जो आपके सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस होंगे वहां पर आपको हर एक क्वेश्चंस को ट्राई करना है, कोई भी क्वेश्चंस को स्किप नहीं करना है और सभी बच्चों को पेपर देना है। जो भी बच्चे कल पेपर देने जा रहे हैं एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा सभी स्टूडेंट्स को। सबसे पहले तो मैं आप लोग को जो है यहां पे ऑल द बेस्ट कहना चाहूंगा, कल के पेपर में बिल्कुल भी कोई कमी नहीं होना चाहिए, आप लोग अपना बेस्ट दीजिए, बाकी जो होगा वो दोस्तों आप लोग को जो है सपोर्ट के लिए मैं आपके साथ हूं, तो आपको अपने तरफ से कोई कमी नहीं रखना है। मिलते दोस्तों एक नए वीडियो में, आगे कॉपी चेकिंग को लेकर दोस्तों आप लोग के लिए जो है और भी कोई नई अपडेट्स आएगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। यहां पे सारी चीजें दोस्तों आपको पूरी कंप्लीट जो है कंपार्टमेंट को लेकर मैं आपको हेल्प कर रहा हूं, तो आप लोग दोस्तों मेरे साथ जरूर जुड़ जाइएगा और अपना सपोर्ट दिखाइए। नीचे दोस्तों मॉडरेशन को लेकर आप लोग जो है कमेंट्स करिए, मैंने जो ट्वीट किया है यहां पर भी आप लोग जाके सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हर एक तरफ से जो है हमें आप लोग की आवाज को जो है बोर्ड तक पहुंचाना है और इसके लिए आप लोग का साथ जरूरी है। मिलते दोस्तों एक नए वीडियो में, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। जय हिंद।